तो यार पोकेमोन वर्ल्ड में ऐसे काफी कम काम है जो कि पोकेमोन्स के बिना हो पाते हैं। स्पेशली एस केचम भी काफी सारे काम करता है पोकेमोन के बिना, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे स्पेशल काम है या कहूँ स्पेशल थिंग्स है जो कि एस केचम ही कर सकता है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में, और वो भी बिना पोकेमोन्स की हेल्प के। और इस वीडियो में अकेला नहीं होने वाला, वीडियो होने वाला है कोलैबोरेशन वीडियो विद पोके मास्टर, जो कि यार खुद पोकेमोन का काफी बढ़िया कंटेंट अपलोड करता है, और उसके चैनल को भी जरूर से विजिट करना, लिंक तुम सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यार रियली तुम्हें इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इस वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। एंड पसंद आ जाए तो इस वीडियो जरूर से लाइक कर देना। एंड विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गो इनटू द वीडियो। नंबर वन, तो तुम सभी को मालूम होगा कि एस केचम कितना ज्यादा फास्ट लर्नर है। एस केचम जब भी किसी बैटल या फिर कहीं पे भी गलती करता है तो उसको काफी ज्यादा जल्दी इंप्रूव कर लेता है। और ये तुम सबको भी मालूम है कि एस केचम जब भी स्टार्टिंग में बैटल्स करता था तो उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन उसने काफी ज्यादा जल्दी लर्न किया। ऑल्सो इंडिगो लीग उसकी फर्स्ट लीग थी, उसमें भी उसने टॉप 16 में जगह बनाई। और अगर रिचे के अगेंस्ट एस का चार्जर्ड उसकी बात मान लेता तो नो डाउट एस केचम काफी आगे पहुंचता इंडिगो लीग में। लेकिन फिर भी अब तक 8 रीजन में एस केचम ने अपने आपको काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। नो डाउट काफी सारे अदर ट्रेनर्स के कंपैरिजन में एस केचम काफी ज्यादा फास्ट लर्नर है। यू नो व्हाट, कि एश का पोकेमोन मास्टर बनने का बहुत बड़ा मकसद है एंड वो वर्ल्ड का नंबर 1 पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता है। बट इस वीडियो के थ्रू तुम्हें पता चल गया कि एश कितना मेहनती है एंड एश हमेशा अपना बेस्ट देता है, हर बैटल में अपना बेस्ट देता है जीतने के लिए, एंड हर एक लीग में भी वो अपना बेस्ट देता है एंड बेस्ट परफॉर्म करता है। बट ये भी कम नहीं है, इससे भी उसे ज्यादा कुछ करना पड़ा है। पोकेमोन के हर एक सीरीज में एश पहले से बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है एंड इसी के लिए वो कालोस लीग में ग्रेनिंजा के साथ नंबर 2 में आ गया एंड अलोला लीग को तो उसने जीत ही लिया। एंड अब भी वो गैला रीजन में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लियोन को हराने के लिए, एंड इस मेहनत का फल ही उसका मतलब आई मीन की ड्रीम्स कम्स ट्रू वाला सिचुएशन होने वाला है। नंबर 3, तो एस केचम के पास पोकेमोन ट्रेनर से हटके भी काफी सारे टैलेंट्स हैं, जिसमें वो काफी ज्यादा हम्बल है और अपने फ्रेंड्स की हर सिचुएशन में हेल्प करता है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। और तो टीम रॉकेट ने उसके पोकेमोन को कितनी बार चुराने की कोशिश की है, फिर भी एस केचम ने काफी बार टीम रॉकेट तक की हेल्प की है। और एस का अपने कंपेनियंस के साथ जो नेचर था वो भी काफी ज्यादा बढ़िया था, एस ने अपने कंपेनियंस के साथ मिलकर पोकेमोन ट्रेनर से हटके काफी बढ़िया काम किए हैं। और अगर तुमने पोकेमोन एनीमे को सही से देखा तो तुम्हें इसके बारे में बताने की जरूरत तक नहीं होगी। एंड्यूरेंस, एक्चुअली एश का एंड्यूरेंस काफी इंडिविजुअल लेवल का है, बिकॉज़ एश का जो फिजिकल पावरनेस है उसकी मदद से उसने काफी सारे काम किया है एंड अपना ट्रू पोटेंशियल बाहर निकाला है एंड उसे इम्प्रूव किया है। एंड एश का एंड्यूरेंस उसके बैटल के टाइम इतना ज्यादा रहता है कि एश किसी पोकेमोन से अगर हिट भी खाता है तो उसे इतना सीरियसली नहीं लेता, ऐसा करता है कि उसे कोई डैमेज नहीं हुआ है। उसने पिकाचू के फोल्ड टैकल, थंडरबोल्ट, बहुत सारे मूव्स का असर पहले से चक रखा है, बट एश को अभी तक कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। दैट प्रूव्स कि एश का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। नंबर 5, सो एस केचम के पास काफी बढ़िया एथलेटिक एबिलिटीज भी हैं। और अगर तुमने पोकेमोन एनीमे को सही से फॉलो किया तो तुम्हें मालूम होगा कि जब भी टीम रॉकेट एस केचम के पोकेमोन्स को चुराती थी तो एस केचम ने कितने ज्यादा बढ़िया तरीके से स्विमिंग, रनिंग और साथ ही क्लाइंबिंग जैसे काम किए हैं। और सिर्फ टीम रॉकेट के अगेंस्ट नहीं बल्कि एस केचम ने तुम्हें मालूम होगा कितने सारे कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया है, और वहां पर भी एस केचम ने प्रूव किया है वो काफी बढ़िया एथलेटिक है। और बात करूं एक फन फैक्ट की, तो क्या तुम्हें मालूम है कि एस केचम ट्रेनर बनने से पहले काफी अच्छा बेसबॉल प्लेयर भी था, दैट्स व्हाई एस का पोकेबॉल को थ्रो करने का स्टाइल भी बेसबॉल से काफी ज्यादा सिमिलर है और बाकी के ट्रेनर से काफी ज्यादा डिफरेंट भी। सो एस केचम में काफी बढ़िया ट्रेनर तो है ही, लेकिन बाकी के ट्रेनर्स के मुकाबले एस के पास काफी बढ़िया एथलेटिक्स एबिलिटीज हैं। विल पावर, एश की विल पावर ऐसी है कि वो थोड़ी सी बाकी पोकेमोन ट्रेनर से थोड़ी सी अलग है, बिकॉज एश इतना हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है कि वो हर एक सिचुएशन से आराम से बाहर निकल सकता है। इतना ही नहीं, जब साइकिक पावर्स ने एश के दिमाग पर काबू किया था तब एश के विल पावर ने मतलब इच्छा शक्ति ने एश को बचाया था उस टेलीकाइनेटिक अटैक से, एंड एजल के साथ बॉल्ड होने का यही एक नतीजा था जो कि एश ने बॉन्ड फिनोमेनन को अनलॉक किया। एंड अगर एश के पास अच्छी विल पावर नहीं होती तो एजल उसके साथ बॉन्ड नहीं करता एंड एश कभी भी बॉन्ड फिनोमेनन को ग्रेनिंजा के साथ एक्टिवेट नहीं कर पाता, एंड एश के विल पावर आगे भी उसे बहुत चीज अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, तो ये भी एक एश की काफी अच्छी एबिलिटी है। नंबर 7, तो तुम सभी को मालूम होगा कि एस केचम अपने पोकेमोन्स की काफी बढ़िया तरीके से फीलिंग्स को समझ सकता है, और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि बाकी के पोकेमोन्स को भी काफी अच्छी तरीके से सेंस कर सकता है कि वो पोकेमोन क्या चाहते हैं। तो दरअसल एस केचम पोल वगैरह की तरह अपने पोकेमोन्स की सिर्फ और सिर्फ पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करना चाहता बल्कि पोकेमोन्स को हर टाइम खुश रखना चाहता है। तो दरअसल तुम्हें मालूम होगा कि एस केचम काफी सारे बैटल्स में उन पोकेमोन्स को भेजता है जो कि पर्सनली बैटल करना चाहते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन एस केचम मैक्सिमम टाइम अपने पोकेमोन्स की खुशी को ही देखता है और अपने पोकेमोन्स की फीलिंग को समझने के कारण एस केचम को मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। बॉन्ड फिनोमेनन, एंड अगर तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो तुम्हें पोकेमोन एनीमे देखना छोड़ देना चाहिए, बिकॉज बॉन्ड फिनोमेनन एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि बॉन्ड में आए पोकेमोन को इतना ओवर पावर बना दे सकता है कि वो लेजेंडरी या फिर मिथिकल को भी आराम से चैलेंज कर सकता है। लाइक ये इतना ईजी नहीं है, बिकॉज तुम्हारा फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होना जरूरी है अपने पोकेमोन के साथ एंड दोनों पर अपने आप पूरा भरोसा भी करना चाहिए। एंड नहीं, ऐसा अगर तुम लोग नहीं करोगे तो तुम्हारा बॉन्ड फिनोमेनन सक्सेस नहीं होने वाला है। एंड एश का निंजा इतना ओवर पावर्ड है कि मैं और मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है एश का निंजा के बारे में, इतना ओवर पावर्ड है।
एंड अगर तुम्हें पोकेमोन एनिमे खुद देख लोगे XYZ सीरीज, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बॉन्ड फेनोमेनन क्या चीज है। तो इसे भी अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि एश ने कर दिखाया है। नंबर 9, एस केचम ओरा को मैनिपुलेट कर सकता है, ये तो तुम्हें भी मालूम है। लेकिन एस केचम अपने ओरा पावर्स के थ्रू किसी भी पोकेमोन को हील तक कर सकता है, और ये एबिलिटी सिर्फ ओरा गार्डियंस के पास होती थी, और आई थिंक अभी पोकेमोन वर्ल्ड में सिर्फ एस केचम के पास ही होनी चाहिए। एंड अगर तुमने पोकेमोन की मूवी लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू देखी है, तो तुम्हें मालूम होगा वहाँ पर म्यू को हील करने के लिए एस केचम अपनी ओरा पावर्स का यूज करता है सर एरोन के लुकारियो के साथ मिलकर। लेकिन ओरा पावर्स के थ्रू हील करने के बाद काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन होता है, इस कारण अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना भी पड़ सकता है, जैसे कि सर एरोन ने किया था। और फिर एस को बचाने के लिए सर एरोन के लुकारियो ने भी अपना सेक्रीफाइस कर दिया। सो दैट्स व्हाई ये एबिलिटी एस को अदर ट्रेनर्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्पेशल बनाती है। नंबर 10, ओरा को काबू करने वाली ताकत। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि एश के पास ओरा को काबू करने की बहुत अच्छा ताकत है, जो कि हमें लुकारियो की तूफानी शक्ति वाली मूवी में देखने को मिला था कि एश और लुकारियो ने कैसे ओरा को काबू में किया था। एंड कुछ लोग जो कि ओरा को काफी अच्छे तरह से काबू कर सकते हैं, उन्हें ओरा गार्डियन कहा जा सकता है। एंड एश को भी अगर अच्छा गाइडेंस मिलता है, तो वो भी एक ओरा गार्डियन बन सकता है। एंड ओरा हर किसी लिविंग बींग के अंदर होता है, एंड एश और लुकारियो या फिर डीओ में बोलूँ तो उन दोनों का ओरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि एश ग्रेनिंजा की तरह लुकारियो के साथ भी कभी ना कभी बॉन्ड एवोल्यूशन कर सकता है। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि एश के पास मौजूद है। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। पोके मास्टर के चैनल को जरूर से विजिट करना, लिंक तुम सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके अलावा पोके मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो जरूर से लाइक कर दो, साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि तुम्हें पोकेमोन का काफी बढ़िया कंटेंट सबसे पहले मिले। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, पोके स्वॉर्ड, पीस आउट।